हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी में बारह खड़ी बताने जा रही हूँ। तो बारह खड़ी होती क्या है? स्वर और व्यंजन के मेल को हम लोग बारह खड़ी कहते हैं। तो बारह खड़ी कैसे बनती है, तो चलिए सीखते हैं। हम लोग स्वर पे हम लोग पढ़ते हैं आ आ ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ए ओ औ अं स्वर हो गए। अब इसे व्यंजन में हम लोग कैसे मेल करते हैं? व्यंजन को जब तक हम लोग स्वर से मेल नहीं करते हैं, तब तक हम लोग उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग क, सिर्फ क लिखेंगे तो अगर उसमें अ का साउंड नहीं करते हैं तो वो हलंत हो जाता है। जैसे हम लोग अब इसको ऐसे लिखेंगे, ये क हो गया, ये आधा क है, ये क है, बिना स्वर का क है। और जब हम लोग इसको पूरा अगर हमें स्वर को पढ़ना है, तो स्वर के साथ इस व्यंजन को पढ़ना है, तो हम लोग इसको क पढ़ेंगे, आ की मात्रा, ठीक है। आ की मात्रा में हम लोग क्या करते हैं, जैसे क है हमारा, तो हम लोग क में आ की मात्रा लगाएंगे तो का बन जाएगा। छोटी की मात्रा व्यंजन के सामने से लगती है, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि क है तो इसे लगाएंगे क में छोटी की मात्रा, इसको हर्षी भी बोलते हैं, हर्षी। तो ये हमारा की बन गया। और ये बड़ी इसे दीर्घ ई भी बोलते हैं, ये लंबा करके बोला जाता है दीर्घ, इसलिए इसका नाम भी है दीर्घ ई। अब इसे हम लोग करें क, अब इसमें हम लोग लगाएंगे तो देखिए कैसे बनता है, ये क में बड़ी, है ना। तो क में आप इसे दीर्घ ई भी बोल सकते हैं, क में बड़ी ई, की इसे दबा के बोलते हैं। ये अक्षर के पैर में लगता है, नीचे लगता है, शब्द के व्यंजन के पैर में लगता है। तो ये हमारा क है, छोटा ऊ है, ये छोटा ऊ है क, क में छोटा, कु क में बड़ा, कु ए ये व्यंजन के ऊपर लगता है। जैसे ये क है तो क में एक मात्रा के, ये एक डंडे से दो बार निकालते हैं, है ना। और इसे ऐसे करते हैं, क में लगाएंगे कै, कै ये है ओ की मात्रा। इस तरह से हम लोग ओ की मात्रा बनाते हैं। अब क में हम लोग देखिए किस तरह से लगाएंगे, क है, क में ओ की मात्रा, को, क में ये है अ की मात्रा, ये चिन्ह है हमारे, ये स्वर है और ये चिन्ह है। तो ये हम अभी कर देते हैं, देखिए क, क में ओ की मात्रा, क, अंग की मात्रा, इस तरह से। क के ऊपर
एक बिंदी लगा दी है, अंग की मात्रा है कंग। और ये आह की मात्रा, ये हो गया कह। तो ये हमारा स्वर है, ये स्वर है, यह चिन्ह है। यह चिन्ह है और यह व्यंजन है हमारा। और यह हमारा बारह खड़ी है, क बारह, यह हमारा बारह खड़ी है। हमारा बारह खड़ी, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए किस तरह से हम लोग स्वर और व्यंजन को किस तरह से मिलाकर बारह खड़ी बनाते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे पूरा क से ज्ञा तक किस तरह से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। जिनकी तो बारह खड़ी आप सीख गए। अब आपको मैं ख से बता रही हूं कि ख का बारह खड़ी का उच्चारण कैसे करते हैं। ख खा, ख में छोटी खी, ख में बड़ी खी, ख में छोटा हो खू, ख में बड़ा हो खू, ख में ए की मात्रा खे, ख में ए की मात्रा खै, ख में ओ की मात्रा खो, ख में औ की मात्रा खौ, ख में अंग की मात्रा खं, ख में आह की मात्रा ख। तो हम लोग को बारह खड़ी पढ़ने से फायदा क्या होता है कि हमारा हिंदी का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है इसे पढ़ने से। और जो भी हम शब्द बनाना चाहते हैं हम इन्हीं बारह खड़ी से बनाते हैं। तो जैसे कि देखिए हम लोग है, अब क तो हम लोग सीखे थे, ख में लगा देने से हमारा वही उच्चारण ख में बदल जाता है। जैसे क में लगा दिए तो का, क में आ की मात्रा का, ख में आ की मात्रा खा, अब ग में आ की मात्रा गा, अब इसी में हम क में बड़ा उ की मात्रा कु, बड़ा उ, अब ग में लगा दिए तो बड़ा उ की मात्रा गु, अब इसे ही हम ज में लगा दिए तो क्या बन गया जू। अब हम जिस भी क से ज्ञ तक में हम जिस भी व्यंजन के साथ बनाना चाहते हैं बस उस व्यंजन का आपको साउंड के साथ हम उसे बना सकते हैं। अब जैसे ट में हम लगा दिए बड़ा हो तो टू, अब यही हम लगाए थे ख में बड़ा हो तो खू, अब छ में औ की मात्रा छौ, अब इसे हम दूसरे व्यंजन में लगाते हैं ठ में, मान लीजिए लगा दिए तो ठौ, ख में लगा दिए खौ, क में लगा दिए कौ, ग में बड़ी की मात्रा गी, अब किसी भी व्यंजन में हम लगा सकते हैं इसको। आप किसी भी व्यंजन के साथ क से ज्ञ तक में किसी भी व्यंजन के साथ आप लगा सकते हैं। अब क में बड़ी की मात्रा गी, अब हम लगा दिए च में बड़ी की मात्रा ची, छ में बड़ी की मात्रा छी, ट में बड़ी, झ में बड़ी की मात्रा झी, ट में बड़ी की मात्रा टी। अब देखिए जैसे क में अंग की मात्रा कम, ख में लगा दिए तो ख का आपका उच्चारण होगा, आपका आवाज आएगा ख का और उसमें खम, ग में ग की आवाज आएगी गम, घ में घम, च में च अंग की मात्रा चंग, छ में छम। जिस भी व्यंजन के साथ हम लगाएंगे उस व्यंजन की आवाज के साथ हम उस स्वर को उच्चारित करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग लगा दिए ख में ओ की मात्रा खो, अब उसी को ग में लगा दिए ओ की मात्रा तो ग का हम लोग आवाज के साथ बोलेंगे गो, घ में ओ की मात्रा घो। तो देखा बच्चों आपने कि बारह खड़ी पढ़ने के क्या फायदे होते हैं। बारह खड़ी पढ़ने से हम हिंदी का उच्चारण, किसी भी शब्द का उच्चारण बहुत ही शुद्ध तरीके से कर सकते हैं और हम बहुत अच्छे तरीके से
लिख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो आप इसे बार बार किसी भी व्यंजन के साथ और स्वर का जिस तरह से मैं आपको एग्जाम्पल में सिखाई हूँ वैसे आप बनाइए और इसे आप जोर से पढ़ के इसका उच्चारण करना सीखिए और लिखिए, इसी से कि शब्द भी बनेगा। ठीक है बच्चा, बाय।